बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 50 First Dates। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है और ये कहानी है हेनरी रॉथ की, जो समंदर किनारे एक सी पार्क में जॉब करता है। ये एक दिलफिक आशिक है, वो लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, नाइट स्पेंड करता है और फिर उनकी जिंदगी से चला जाता है। दरअसल वो किसी भी रिश्ते में कमिटेड नहीं होना चाहता। अब हेनरी एक दिन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम लूसी होता है और वो उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसे बात नहीं करता क्योंकि वो एक लोकल लड़की है और हेनरी किसी भी तरह के कमिटमेंट में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन पूरा दिन उसके दिमाग में लूसी घूम रही होती है और वो ना चाहकर भी अगले दिन दोबारा उसी रेस्टोरेंट में आता है जहां पर लूसी बैठी होती है और वो अपनी ब्रेड से खेल रही होती है। दरअसल वो ब्रेड से अपने लिए घर बना रही होती है, लेकिन वो उसका दरवाजा फिट नहीं कर पा रही होती। तभी हेनरी वहां से एक टूथपिक उठाता है और उसके दरवाजे में अटका देता है। वो कहता है कि अब ये स्टेबल रहेगा और इसके बाद उन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। लूसी बोलती है, क्या तुम एक आर्किटेक्ट हो? वो बोलता है कि नहीं, मैं एक सी पार्क में काम करता हूं। लूसी बोलती है कि तभी अजीब सी स्मेल आ रही है। हेनरी बोलता है कि हां, सुबह मैं एक फिश को खिला रहा था, उसके बाद मैंने अपने आप को अच्छे से साफ भी किया, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी में स्मेल है। वो कहते हैं कि मुझे स्मेल पसंद है क्योंकि मेरे भाई और मेरे डैड एक फिशरमैन है और जब वो कई दिनों बाद समंदर से लौटते हैं तो मैं उनसे बहुत देर तक गले लगकर उनकी स्मेल को फील करती हूं और उनके शरीर से भी ऐसी स्मेल आती है। वो कहता है कि तुम जितनी देर चाहो मेरे हाथों को सूंघ सकती हो। और इसके बाद लूसी उसके हाथों को सूंघती है जिससे उसे बहुत खुशी होती है। और अब धीरे धीरे बात करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और जब ये जा रहे होते हैं लूसी बोलते हैं कि कल हम दोबारा मिलेंगे, मैं यही मिलूंगी, ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। और इस बात से हेनरी खुश हो जाता है और वो भी अपने घर वापस चला जाता है। अब उसी शाम को हेनरी एक लड़की के साथ एक बार में बैठा होता है और एक टूरिस्ट है और वो हेनरी को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन हेनरी को चारों तरफ लूसी दिख रही होती है और वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिंग डोंग नहीं कर सकता, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह बारिश में भीगता हुआ वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर लूसी ने उससे मिलने का वादा किया था, जहां वो साथ ब्रेकफास्ट करने वाले थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो लूसी नहीं होती, लेकिन कुछ ही देर बाद लूसी भी वहां पर आ जाती है और वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद हेनरी उसके पास जाता है, बोलता है कि आज पूरे दिन मैंने मछलियों के साथ खेला है, तुम जितना चाहो मेरे हाथों को सूंघ सकती हो। लूसी बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। और इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है और उसके मालिक की बीवी आती है और वो हेनरी को बाहर ले जाती है। हेनरी बोलता है, सब क्या हो रहा है, ये पागल है? वो कहती है कि लूसी एक खास लड़की है, आज से एक साल पहले जब इसके डैड का बर्थडे था तो ये उनके साथ उनके लिए पाइनएप्पल लेने गई थी और जब ये गाड़ी से वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में लूसी के सिर पर बहुत गहरी चोट आई और जिसकी वजह से पिछले दिन का उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हेनरी कहता है कि मैं जानता हूं ये सब झूठ है, ये सब तुम मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए बोल रही हो। वो कहते कि काश ये झूठ होता, लेकिन वो तुम्हें जानती तक नहीं, उसे पता भी नहीं कि कल तुम उससे मिले थे। हेनरी कहता है, क्या उसे कुछ भी याद नहीं रहता? वो कहते कि एक्सीडेंट से पहले की सारी बातों से याद है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जब भी वो रात को सोती है, सुबह उठती है तो उसे ये लगता है कि आज उसके डैड का बर्थडे है, उसे तो ये तक नहीं पता कि एक साल बीत चुका है। हेनरी कहता है, लेकिन ये तो रोज अखबार पढ़ती है। वो कहते हैं कि इसके डैड ने ऐसे बहुत सारे अखबार छपवा रखे हैं और ये अखबार उसी दिन का है जिस दिन इसके डैड का बर्थडे था, यानी कि एक साल पुराना। और इसके डैड ने ऐसे बहुत सारे अखबार छपवा रखे हैं और जब सुबह उठती है तो इसके डैड एक अखबार इसके तकिया के सामने रख देते हैं। लूसी हमारे रेस्टोरेंट में इसलिए आती है क्योंकि इसे लगता है कि आज संडे है, क्योंकि हर संडे को ये हमारे रेस्टोरेंट में आया करती थी। लूसी एक ही दिन को हर रोज जीती है। ये सब सुनने के बाद हेनरी कंफ्यूज्ड और परेशान होकर वहां से चला जाता है और लूसी भी अपने घर आ जाती है। घर पर उसके डैड और उसका एक भाई होता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसे यही जताते हैं कि आज उसके डैड का बर्थडे है, आज संडे है। लूसी के डैड उसे पाइनएप्पल दिखाते हैं जिस बात से लूसी खफा हो जाती है। वो बोलते हैं कि हम दोनों को इसे साथ लेने जाना था। दरअसल जब लूसी का एक्सीडेंट हुआ था तो ये दोनों पाइनएप्पल लेने गए थे। उसके डैड बोलते हैं कि मेरे पास एक और बेहतर तरीका है, कल मैं अपनी वर्कशॉप को पेंट कर रहा था और वो कुछ ज्यादा व्हाइट हो गई। और उसके डैड उसे वर्कशॉप ले जाते हैं और वो बोलते हैं, क्यों ना तुम इसमें कुछ रंग भर दो। लूसी कहती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और लूसी वहां पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है। लूसी अपने डैड को बोलती है कि तब तक तुम मैच खेलो, और अब लूसी दीवार में पेंट करना शुरू कर देती है और उसके डैड हॉल में आ जाते हैं जहां पर उसका भाई भी होता है। और जैसी लूसी अपना काम खत्म करके वहां पर आती है तो उसके डैड और उसका भाई मैच ही देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल उनके पास इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट होता है जिसे उन्हें लूसी की वजह से हर रोज देखना पड़ता है। इसके बाद वो सब केक काटते हैं और केक काटने के बाद लूसी अपने डैड को एक गिफ्ट देती है और ये गिफ्ट होता है 6 सेंट मूवी का कैसेट। लूसी बोलती है कि बर्तन धोने के बाद हम सब मिलकर ये देखेंगे, कैसा रहेगा? उसके डैड और उसका
भाई उदास होकर बोलते कि मजा आएगा, क्योंकि वो ये मूवी हर रोज देखते हैं। अब टीवी पे मूवी चल रही है और उसके डैड सो रहे हैं, क्योंकि वो ये मूवी पिछले एक साल से देख रहे हैं। मूवी खत्म होने के बाद लूसी अपने कमरे में सोने चली जाती है और इसके बाद ये दिखाते हैं कि उसके डैड और उसका भाई केक फेंक देते हैं और जिस दीवार पे लूसी ने पेंट किया होता है उसके डैड उस दीवार को दोबारा से व्हाइट पेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि लूसी कल दोबारा से उस पे पेंटिंग कर सके। और जो गिफ्ट लूसी ने अपने डैड को दिया होता है उसे वो दोबारा से पैक कर देते हैं, रैप अप करके रख देते हैं, क्योंकि कल लूसी को वही गिफ्ट अपने डैड को दोबारा देना होगा। और जब लूसी सो जाती है तो उसके डैड उसके कमरे में जाकर एक न्यूज़पेपर जो कि संडे का है, जो उन्होंने बहुत सारे छपवाकर अपने घर में रखे, उसके तकिया के पास रख देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लूसी को नहीं पता लगने देना चाहते कि उसकी याददाश्त खो चुकी है। इस बात से उसको मेंटली बहुत हर्ट होगा और इसीलिए उसके डैड को और उसके भाई को हर दिन उसके लिए ये सब करना पड़ता। अब अगले दिन लूसी ब्रेकफास्ट करने उस रेस्टोरेंट में जाती है और हेनरी दोबारा वहां पर आता है और वो लूसी से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि हेनरी कहीं ना कहीं लूसी को पसंद करने लगा है, लेकिन लूसी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन दोबारा हेनरी वहां पर आता है और आज भी लूसी उससे बात नहीं करती। और तीसरे दिन हेनरी जब लूसी की साइड में बैठा होता तो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ये देखकर लूसी उसके पास जाती, पूछती क्या हुआ। वो बोलता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मेन्यू में क्या लिखा मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पे लूसी बोलती है कि तुम मेरी टेबल पे आ जाओ, हम साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स भी सिखा दूंगी। वो कहते हैं ठीक है। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और ब्रेकफास्ट करके जब वो बाहर जाते हैं तो लूसी कहती है कि अब मुझे जाना होगा। और जब वो जाने लगती है हेनरी कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लूसी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नंबर मांगोगे, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि एक लड़का मुझे पटाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है तो उससे बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम एक नंबर के भोंदू निकले। और ये कहकर लूसी वहां से निकल जाती है और हेनरी भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। और तभी जो उस रेस्टोरेंट की मालकिन होती है वो लूसी के डैड को फोन कर देती है कि लूसी के पीछे कोई लड़का आ रहा है। और जब हेनरी उसके घर पहुंचता है तो बाहर उसका भाई और उसके डैड होते हैं और वो हेनरी से बोलते हैं कि लूसी ने पिछले एक साल में बहुत गुस्सा है और हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी में परेशानी और बढ़े, इसलिए तुम लूसी से और उस रेस्टोरेंट से दूर रहो। और हेनरी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि सड़क पे खड़ा होता है और वो ये बहाना करके खड़ा होता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है, उसके हाथ में बैटरी का तार होता है और वो लूसी से हेल्प मांगता है। लूसी से हेल्प करती है और यहां पर इन दोनों की आज फिर दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्योंकि सो के उठने के बाद लूसी को कुछ याद नहीं रहता तो अगले दिन वो फिर से हेनरी को भूल जाती है और हेनरी किसी न किसी तरह उससे मिलता है और उससे दोस्ती करता है। ऐसे कई दिन तक चलता रहता है। और एक दिन हेनरी जब अपने आप को बांध कर अपने मुंह पर टेप लगाकर उसी सड़क में खड़ा होता है जहां पर लूसी को आना है, लेकिन लूसी से पहले उसके डैड और उसका भाई आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक बार तुम्हारा किडनैप खेलने का काम खत्म हो जाए तो घर पे आ जाना। और उस दिन भी हेनरी लूसी से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करने के बाद वो उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद लूसी के डैड उसे अपनी वर्कशॉप के पास ले जाते हैं और थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसे लूसी को दिखाते हैं जहां पर लूसी दीवार को पेंट कर रही होती है और वो गाना गा रही होती है। उसके डैड बोलते हैं कि जब भी ये तुमसे मिलती है उसी दिन ये गाना गाती है। लूसी के डैड हेनरी से बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। हेनरी बोलता है कि मुझे नहीं पता। हेनरी लूसी के डैड से बोलता है कि सोचो एक दिन लूसी जब सुबह सो के उठेगी और अपने चेहरे पे झुर्रियां देखेगी तब तुम उसे क्या जवाब दोगी। लूसी के डैड बोलते हैं कि इस बात से मैं रोज चिंतित रहता हूं। इसके बाद हेनरी वहां से चला जाता है और अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर लूसी अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो लूसी को दोबारा से पटाने की कोशिश करता है। तभी लूसी बाहर देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी का चालान कर रहा है और वो भागती हुई बाहर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। लूसी कहती है कि लाइसेंस 7 महीने में एक्सपायर नहीं होता। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस मई में एक्सपायर हो चुका है। लूसी कहती है कि कोई भी लाइसेंस 7 महीने में एक्सपायर नहीं होता। उसके सामने एक आदमी होता है जिसके पास न्यूज़पेपर होता है। लूसी उससे न्यूज़पेपर छीनती है और जब वो उसमें डेट देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि एक साल बीत चुका होता है और लूसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है और उसके डैड उसे सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और कैसे सोने के बाद उसे पिछला दिन याद नहीं रहता। इस बात से लूसी बहुत परेशान हो जाती है और अब लूसी, हेनरी, उसके डैड और उसका भाई डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हेनरी जानना चाहता है कि एग्जैक्टली लूसी को प्रॉब्लम क्या है। और लूसी को आज पहली बार पता नहीं चला कि उससे ऐसी कोई बीमारी है। इससे पहले भी उसे कई बार पता चल चुका है। अब ये सब के सब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर लूसी को बताता है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी अच्छा है, तुम्हारी सिचुएशन स्टेबल है, इससे भी बुरा हो सकता है। लूसी बोलती कैसे। वो कहते हैं कि तुम्हें 10 सेकंड वाले मरीज से मिलना चाहिए। और इसके बाद वो उसे एक आदमी के पास ले जाते हैं जहां पर एक आदमी होता है जो 10 सेकंड बाद सब कुछ भूल जाता है। वो उन सबसे मिलता है, हाय हेलो करता है और 10 सेकंड जैसे होते हैं वो दोबारा से उनसे हाय हेलो करता है। वो हर 10 सेकंड बाद अपनी पूरी याददाश्त भूल जाता है। इसके बाद जो लूसी का भाई होता है
दरअसल वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहता है। वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मेरे एक दोस्त ने स्टेरॉइड्स लिए थे और अब उसे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये स्टेरॉइड की वजह से? डॉक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही हो और ये स्टेरॉइड खाना बंद करो और कोई लड़की पटाओ और घूमो फिरो। वो कहता है कि ठीक है मैं अपने दोस्त को बता दूंगा, हालांकि वो अपने बारे में ही पूछ रहा होता है। और इसके बाद ये सब के सब घर वापिस आ जाते हैं और हेनरी जब वहां से जा रहा होता है तो लूसी उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे अलग अलग बहानों से मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे लिली फूल बहुत पसंद है। और अगले दिन हेनरी उसके घर पर लिली फूल और एक कैसेट लेकर पहुंच जाता है और वो लूसी को उन्हें देते हुए बोलता है कि ये किसी चाहने वाले ने भेजे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और जब वो कैसेट चलाती है तो उसमें उस साल के पूरे इवेंट्स होते हैं कि क्या क्या हुआ। ये देखकर वो हैरान होती है कि उसे ये सब क्यों नहीं पता। और जब उसी वीडियो को वो आगे देखती है तो उसके लास्ट में उसके एक्सीडेंट की न्यूज होती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब उसे सच पता है। अब जब भी सुबह उठती है वो रोज उस वीडियो को देखती है और उसमें हेनरी की भी वीडियो क्लिप्स होती है, तो उसे पता है कि हेनरी उससे प्यार करता है। लेकिन हेनरी को हर सुबह कुछ ऐसा करना पड़ता है कि लूसी को उससे दोबारा प्यार हो जाए, और हेनरी ऐसा करता भी है क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करता है। और एक रात को जब ये नदी के किनारे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लूसी बोलती कि पहली किस का मजा ही कुछ और है। और इसके बाद हेनरी और लूसी हर रोज मिलते हैं और वो रोज किस करते हैं, और लूसी हर रोज यही बोलती है कि पहली किस का मजा ही कुछ और है, क्योंकि उसको पिछली कोई भी बात याद नहीं होती तो उसके लिए ये किस पहली होती है। अब एक रात को ये दोनों लूसी के रूम में होते हैं और उस रात को इन दोनों के बीच में संभोग होता है और ये दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह ये दोनों उठते हैं तो लूसी इसको पहचानती नहीं और चिल्लाना शुरू कर देती है और चिल्लाते चिल्लाते उस पर काफी चीजें फेंकती है और उसके हाथ में एक डंडा आता है जिससे उसके सिर में जोर से मारती है और हेनरी बेहोश हो जाती है। अब लूसी के डैड वहां पर आ जाते हैं और हेनरी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहां आता है और वो हेनरी का सर चेक करते हुए बोलता है क्या तुम्हारा सर पहले से अंडे जैसा या डंडा लगने से ऐसा हो गया। इतने में लूसी का भाई सीरियस होकर और चिल्ला के बोलता है कि हे उसका मजाक मत उड़ाओ अगर उसकी शक्ल अंडे जैसी है। डॉक्टर बोलता है इसकी बात का बुरा मत मानना, ये सब स्टेरॉइड का असर है। वो बोलता है कि वो स्टेरॉइड नहीं प्रोटीन पाउडर है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी से बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम एक साल के लिए अलास्का जाने वाले थे वॉलरस की स्टडीज के लिए। वॉलरस दरअसल पानी का एक जीव होता है। हेनरी बोलता है कि हां पर अब नहीं जा रहा क्योंकि लूसी को यहां मेरी ज्यादा जरूरत है। हालांकि इसके लिए पिछले काफी सालों से वो तैयारी कर रहा होता है और उसने इसके लिए एक बोट भी बनाई होती है, लेकिन वो लूसी से बहुत प्यार करता है और इसलिए अब वो नहीं जाना चाहता। अब जब ये सारी बातें चल रही होती है तो लूसी सब सुन लेती है और लूसी को पता है कि वो उसकी वजह से अपने सपने को पूरा करने नहीं जा रहा और वो ये फैसला करती है कि वो हेनरी से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि वो किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, किसी के सपनों के आगे नहीं आना चाहती। और वो वीडियो टेप से हेनरी की सारी क्लिप्स हटा देती है और जो डायरी वो लिखती है उस डायरी के हर पेज से वो हेनरी का नाम मिटा देती है और हेनरी को भी कन्विंस कर लेती है कि अब हमें अलग अलग रास्ते चलना होगा और वो दोनों यहां से अलग हो जाते हैं। अब हेनरी अपने आगे के सफर पे जा रहा होता है, यानी कि अलास्का जा रहा होता है। तभी लूसी के डैड उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि लूसी ने हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया है क्योंकि वो एक टीचर होती है, आर्ट टीचर, और वो हॉस्पिटल में सारे मरीजों को आर्ट की क्लासेस दे रही होती है। हेनरी बोलता है ये कब हुआ। लूसी के डैड कहते हैं कि 3 हफ्ते पहले मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। और उसके डैड ये भी बताते हैं कि वहां पर अब वो पेंटिंग करते हुए रोज गाना गाती है। और इसके बाद हेनरी वहां से अपने आगे के सफर पे चला जाता है। हालांकि हेनरी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत मिस करता है, लेकिन अब लूसी उससे दूर है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब वो अपनी बोट चला रहा होता है तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि आजकल वो पेंटिंग करते हुए रोज गाना गाती है और पहले ऐसा तभी होता था जब वो हेनरी से मिलती थी। और हेनरी ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मैं उसकी यादों में हूं, उसे मैं याद हूं, और हेनरी अपनी बोट घुमा लेता है और सीधा वो लूसी के पास जाता है। लूसी वहां पर अपने मरीजों को पेंटिंग करना सिखा रही होती है। लूसी उसे देखकर हैरान होती है और वो उसे कमरे में ले जाती है। उस कमरे में जाने के बाद हेनरी हैरान हो जाता है क्योंकि लूसी ने उसके बहुत सारे स्केचेस बनाए होते हैं। लूसी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन लगभग हर रोज तुम मेरे सपने में आते हो। हेनरी बोलता है कि जो डायरी रोज सुबह तुम पढ़ती हो कभी उसमें मेरे बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थी लेकिन तुमने मुझे अपनी यादों से मिटा दिया। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। और इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और कहानी में आगे ये दिखाते हैं कि लूसी नींद से उठती है और जब वो उस वीडियो टेप को देखती है जिसे वो रोज जागने के बाद देखती है तो उसमें ये दिखाते हैं कि हेनरी और लूसी की अब शादी हो चुकी है। और उस वीडियो के लास्ट में ये मैसेज होता है कि बाहर बहुत ठंड है, जब तुम उठ जाओ तो बाहर जैकेट पहनकर आना। और जब वो बाहर जाती है तो वो हेनरी की बोट पर होती है। दरअसल हेनरी वॉलरस के ऊपर स्टडी करने के लिए अलास्का आ गया होता है, वो अपने सपने को पूरा कर रहा होता है। वो वहां पर देखती है कि उसके डैड, हेनरी और उसकी बेटी भी होती है जिसे उसे हर रोज एक नए बच्चे के रूप में मिलना पड़ता है, पर अब ये सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।